तो मेरे प्यारे भाई लोग, आज की इस वीडियो में आपको कुछ अलग ही एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप मेरे होम स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड गाइस, ये सिंपल फोटो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। एंड इस टाइप का फेस गाइस आपको मैं एडिटिंग करना सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फोटो देख लीजिए कितना हार्ड बना है हमारा फोटो। एंड गाइस, बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा जो है लाजवाब बना है। एंड गाइस, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मैं सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा। एंड गाइस, आपको मैं सबसे पहले अपना नॉर्मल सा फोटो को दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हो, हमारा नॉर्मल सा फोटो हो गया। एंड गाइस, इसी फोटो को मैं एडिट करूँगा तो हमारा फुल HD क्वालिटी में दोस्तों रिटचिंग वाला फोटो हो जाएगा। यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आपको मैं तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करने का, अपने लाइटरूम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है अपने फोटो पर। जैसे कि ये हमारा फोटो हो गया गाइस, देख सकते हो फोटो को। तो सबसे पहले तो आपको ये वाले पिक्चर को दोस्तों कॉपी कर लेना है और अपने फोटो में पेस्ट कर देना है। और दोस्तों आपको पता ही है कि मैंने हर पिक्चर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए कितना कमाल का फोटो हो चुका है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इस फोटो को हम कर देंगे शेयर गाइस स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और दोस्तों वहां पर क्या करेंगे आप खुद ही देख लीजिए। तो यहां पर हमारा फोटो आ चुका है। तो टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सिलेक्टिव पे जाएंगे और दोस्तों यहां पर अंधेरा है और लाइट कम है, तो यहां पर सिंपल सा ब्राइटनेस को मैं हाई करूंगा। ऐसे दोस्तों मैं पूरे फेस पर करूंगा, जहां जहां हमारा चेहरा जो है अंधेरा कम होगा और लाइट कम होगी वहाँ पर दोस्तों ऐसे ही मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा। और दोस्तों आप सेम टू सेम ऐसा स्टेप करिएगा, आपका भी फोटो सेम टू सेम मेरे जैसा बनेगा। तो इतना काम आपको करते रहना है जब तक कि आपका फेस वाइट ना हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना कमाल का हमारा जो है फेस एंड हैंड सब कुछ का कितना लाइट के साथ एडजस्ट हो रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे दोस्तों आपको लाइट को एडजस्ट करना है। एंड मैं अपने फेस पर गाइस लाइट को बढ़ाता हूँ, यानी कि ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, तो फोटो हमारा जो है काफ़ी तो कमाल का लगा। एंड गाइस, हमारे चेहरे पर भी लाइट आ रहा है, वो तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर। तो ऐसे ही आपको करते रहना है दोस्तों। गर्दन पर भी आपको करना है। एंड गाइस, अपने हाथों पर भी करना है। तो इस टाइप से आपको करते रहना, जहाँ भी आपको थोड़ा भी अंधेरा लगेगा वहाँ पर आपको सिंपल सा ब्राइटनेस को हाई करना है। और दोस्तों जहाँ पर रेड टोन आएगा वहाँ पर आपको सिचुएशन को कम कर देना है। इस टाइप से आप अपने फोटो को वाइट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंड गाइस, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एंड चलिए अब अपने हाथों पर ऐसे ही ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर अंधेरा है तो ऐसे सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और हमारा फोटो यहाँ पर क्लियरली साफ हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लाइट आ जाएगी। तो इतना काम दोस्तों हमारा यहाँ पर हो चुका है। तो इसके बाद क्या करने का वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फोटो कितना लाजवाब लग रहा है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंधेरा थोड़ा अभी भी बाकी है, तो इसको करके मैं इस फोटो को सेव कर लूँगा दोस्तों। और यहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये भी दोस्तों यहाँ पर लाइट लगे। इतना काम गाइस हो चुका है। तो दोस्तों अब सबसे आखिरी वाला क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर इस पे जाएंगे प्रोट्रेक्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर देखिए प्रोट्रेक्ट वाले पे जाएंगे, इसको पूरा कम करेंगे एंड दूसरे वाले को कम, तीसरे वाले को आई क्लियरिटी को आपको 23 या 20 कर देना है, जिससे हमारा आई जो है काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। अब दोस्तों हम सिंपल से इस फोटो को कलर करेंगे। तो पीकट एप्लीकेशन के अंदर फोटो को लाएंगे एंड अपने फोटो को सिलेक्ट करके और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके कलर वाले पे जाएंगे गाइज। और इस टाइप से कोई भी एक कलर गाइज आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि आपको मैं कलर दिखाता हूँ, यहाँ पर इतने सारे कलर है गाइज, कोई भी आपको एक कलर सेलेक्ट करना है। तो मैं दोस्तों ये ऑरेंज वाला कलर जो है सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको बैकग्राउंड पर कर देता हूँ। अब दोस्तों हम अपने कपड़े पर छोड़ के बाकी सारे जगह मैं लाइट को सॉरी कलर को रिस्टोर कर दूंगा। देख ही सकते हो किस टाइप से कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी जो है कर लेना है। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। तो सही कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक सनसेट का PNG को ऐड करेंगे जो कि रियलिस्टिक लगेगा हमारा फोटो। तो यहाँ पर इस टाइप का जो सनसेट गाइस यहाँ पर देखिए इस टाइप से हम लगा देंगे यहाँ पर। एंड इसको भी दोस्तों मैं डुप्लीकेट करके इस सिचुएशन कम कर दूंगा। देखिए सिचुएशन कम करके वाइट हो चुका है, डुप्लीकेट करके एक यहाँ पर लगा दूंगा, बस इतना ही काम करेंगे गाइस। अब इस फोटो को हम सेव कर लेंगे और दोस्तों सेव करने के बाद इसको हम ब्लर करेंगे, वो भी दोस्तों थोड़ा सा, ज़्यादा ब्लर नहीं करना है हमको। तो हम दोस्तों सिंपल
पास आप फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और अपने फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल सा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पर फोटो एडिटिंग क्लासिक लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ब्लर वाले पे क्लिक कर देंगे एंड जैसे ही इस टाइप का इंटरफेस आएगा तो हम अपने बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। गाइस फेस पर नहीं करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो आपको ब्लर का ऑप्शन देगा, इस ब्लर वाले को आपको लगभग यहाँ पर 5 या 6 रखना है एंड तब आपको अपने फोटो को जो है सेव कर लेना है। अब दोस्तों फोटो रूम का आइकन हटाने के लिए हम फिर से स्नैपशीट को ओपन करेंगे एंड अपने ब्लर वाले फोटो को सेलेक्ट करेंगे और इस डबल एक्सप्रेशन पे आके ऐड फोटो पे जाएंगे और अपने पुराने वाले फोटो को ऐड करेंगे जो ब्लर नहीं है और इसका ये वाला बढ़ा देंगे एंड इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर डबल एक्सप्रेशन जाएंगे एंड गाइस यहाँ पर क्या करेंगे नीचे का जो है मिटा देंगे। इस टाइप से आपको कर लेना है एंड इतना करने के बाद दोस्तों अगर आपके फेस पर और भी लाइट कम है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके बढ़ा सकते हो जैसे कि मैं बढ़ा रहा हूँ। एंड इतना स्टेप गाइस करने के बाद आपको रिमनी एप्लीकेशन का यूज करना है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल सा रिमनी ओपन हो चुका है एंड गाइस इसको मैं ओके इट कर देता हूँ एंड गाइस ऐड को कट करके अपने फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ही देर बाद ऐड आएगा जो कि 30 सेकंड का, तो इसको हम पूरा वॉच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिला जो कि आपका कलर काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो सिंपल सा कलर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन भी देगा गाइस, तो कलर वाले पे क्लिक करेंगे तो गाइस कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेगा या फिर ज़्यादा भी ले सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा जो कि आपके पुराने वाले फोटो पर ही दोस्तों रिमनी काम करेगा वो भी HD क्वालिटी के साथ, तो इस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो गया। तो गाइज फिर से ऐड आएगा, ऐड को पूरा वॉच करेंगे एंड गाइज हमारा फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा गैलरी में। तो अब दोस्तों हम बाकी बारी आगे गाइज स्मूथ करने की, तो इस फोटो को दोस्तों स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देंगे एंड चलिए अब मैं आपको बढ़िया तरीके से स्मूथ करना सिखाता हूँ। और दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को स्मूथ करना नहीं आता है, तो आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है एंड गाइज इस टाइप से आपको स्मूथ करना है। देखिए कितना कमाल का एंड हैवी स्मूथ हो रहा है एंड गाइज मैंने स्मूथ का पूरा ट्यूटोरियल पिछले वीडियो में गाइज डाला है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आज वहाँ पर मैंने स्मूथ करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताया हूँ। तो इस टाइप से आपको अपने पूरे के पूरे फेस पर स्मूथ करते रहना है जिससे दोस्तों आपका फेस काफ़ी ज़्यादा क्लियरली मुलायम एंड दोस्तों यहाँ पर पिंपल वगैरह जो होगा हट जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो मैं दोस्तों पूरे के पूरे फेस को हमको स्मूथ करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। Thank you.
तो भाई लोग हमारा फोटो क्या हुआ कि सेव हो चुका है। तो सेव हो गया गाइस, तो अब हम लाइटरूम का एप्लीकेशन के अंदर लेकर चलेंगे फोटो को, एंड वहां पर आपको बढ़िया तरीके से लाइट को मिलाना सिखाएंगे, यानी कि एडजस्ट करना सिखाएंगे कैसे करते हैं गाइस, और मैं कैसे किया हूं सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आपको अपने लाइटरूम को ओपन करना, एंड गाइस काफ़ी सारे लोग को क्या होता है कि दोस्तों लाइट को इधर उधर करने में या फिर एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं दोस्तों आपको वैसा प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको लाइट वगैरह में आपको कुछ भी करने की जरूरत जो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है गाइस, क्योंकि आपको गाइस समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। इसलिए मैंने दोस्तों आपके लिए प्रीसेट इसका बना दिया हूँ, उस प्रीसेट को आपको डाउनलोड कर लेना जो कि मेरे PNG वाला स्टॉक में मिल जाएगा, एंड वहाँ पर आपको इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करके आपको अपने फोटो पर पेस्ट कर देना। एक ही क्लिक में गाइस कुछ ऐसा फोटो बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है गाइस। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो जो है गाइस पसंद आया होगा। सो गाइस अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।